हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी और गवार फली की मिक्स सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही इजी होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया 250 ग्राम गवारफली, 250 ग्राम भिंडी, 8 से 10 हरी मिर्च। सबसे पहले हम इन सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक अलग अलग काट लेंगे। ये देखिए, मैंने भिंडी और गवारफली को अलग अलग प्लेट में काट लिया है। हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है इन्हें। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच लहसुन का पेस्ट। इस सब्जी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके अंदर ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट। लहसुन के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप ये मिक्स सब्जी हरी मिर्च में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे सिर्फ लाल मिर्च में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसे हरी मिर्च में ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिर्फ लाल मिर्च में बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना ये क्रिस्पी हो जाएगी। जैसे ही लहसुन और हरी मिर्च फ्राई होते हैं, हमें सबसे पहले इसके अंदर डाल देनी है गवार फली। गवार फली को हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये सब्ज़ी लाल मिर्च में बनाते हैं तो आपको इस सब्ज़ी के अंदर पानी का यूज़ करना होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से हरी मिर्च के साथ इस सब्ज़ी को बना रही हूँ, इसमें एक बूंद भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी गवारफली जो है वो पहले से हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। आप इसे थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है अभी इस टाइम। अब 5 मिनट पकाने के बाद गवार फली को हम इसके अंदर डाल देंगे ये कटी हुई भिंडी। अब हम भिंडी और गवार फली को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी बहुत गवार फली हमने पहले अलग से पका ली थी, क्योंकि गवार फली को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और भिंडी जल्दी पक जाती है। भिंडी डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और अब हम इन सबको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए, 5-7 मिनट हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पर पकते हुए। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस सब्जी में हमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना है। ये सब्जी बहुत ही सिंपल बनती है और जितनी सिंपल ये बनेगी उतनी ही ये टेस्टी लगती है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने देंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे चेक कर सकते हैं ये अच्छे से पकी है या नहीं। ये बिल्कुल कम्प्लीट है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो इस सब्जी में सूखा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। ये देखिए, हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसे जल्दी से सर्व कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस सब्जी को लाल मिर्च में बनाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सारे सूखे मसालों को पानी में अच्छे से पका लें। उसके बाद आप इसके अंदर गवारफली डालें, फिर उसे भी 5 मिनट पकने दें। उसके बाद आप इसमें भिंडी डालें। लेकिन हमने इस सब्जी में एक बूंद भी पानी का यूज़ नहीं किया है और आपको यूज़ करना भी नहीं है। बिना पानी के ही ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।